हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हाईली क्वालिफिकेशंस के लिए, यहाँ प्रोफेसर्स के लिए, वेल एजुकेटेड वाले लोगों के लिए, उनके लिए तो वर्क परमिट की भरमार ही रहती है हमेशा। वो हमेशा अपने लक को ट्राई करते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको उनका लक साथ दे देता है और उनको वीज़ा भी बहुत आसानी मिल जाती है। दोस्तों क्या ये चीज़ लो क्वालिफिकेशन वाले लोग भी कर सकते हैं, जो कि लो एजुकेटेड हैं या तो फिर खाली 10 क्लास पढ़े हुए हैं? तो क्या वो लोग भी इन वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या उनको भी वर्क वीज़ा मिल सकता है? तो दोस्तों आज का टॉपिक इसी वीडियो के ऊपर है कि हाउ टू गेट वर्क वीज़ा विद लो क्वालिफिकेशन, कि किस तरीके से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं की, ज़्यादा क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की। दोस्तों दुनिया में देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन 12 लेवल की सिर्फ 10 लेवल समझा जाता है बाहर, और अगर कोई 10 लेवल पढ़ा हुआ हो तो फिर उसको नॉन क्वालिफाइड ही समझा जाता है। तो क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़ा के लिए? उनको क्या बाहर काम मिल सकता है? तो चले दोस्तों करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों यहाँ पे 2-3 तरीके हैं, अगर आप इसको प्रॉपर फॉलो करते हो तो 90% आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको वर्क वीज़ा मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको, जो कि नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, मतलब 10 क्लास पढ़े हुए हैं खाली या 10 लेवल की एजुकेशन हासिल किए हुए हैं, उनको वर्क वीज़ा नहीं मिलता। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको भी वर्क वीज़ा मिलता है अगर वो ये सारे स्टेप्स फॉलो करें और सही से इस चीज़ को समझ के और वीज़ा अप्लाई करें, तो उनके भी चांसेस हैं कि उनको वर्क वीज़ा मिल जाए। अगर आपके पास लो एजुकेशन है या आप 10 क्लास सिर्फ पढ़े हुए हो और अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन आपको सेकेंडली ये ख्याल रखना है कि आपकी जो स्किल्ड है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ज़्यादा ध्यान देना है, या इसके अलावा जो दूसरे हैं जैसे प्लम्बर है, बहुत सारे ऐसे स्किल लेवल जॉब्स हैं, स्किल्स हैं, वो आपको हासिल करनी चाहिए। क्योंकि देखो आजकल पाकिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट बहुत सारे जो है वो कोर्सेज करवा रही है, बहुत सारे डिप्लोमास करवा रही है, जो कि 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं। इस तरीके के आप डिप्लोमा हासिल करो, इस तरीके की सर्टिफिकेट्स आप हासिल करो, जिससे आपको बाहर वर्क वीज़ा मिल सकता है। तो बात की जाए पाकिस्तान वालों के लिए, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत जल्द जो है वो बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। देखा जाए तो अभी जर्मनी का आपने सुना ही होगा कि जर्मनी बहुत सारे वीज़ा देने वाला है पाकिस्तानियों को, और वो भी स्किल्ड लेवल वाले लोगों को। ऐसा उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन हो या हाईली क्वालिफ़िकेशन हो, उसमें क्वालिफ़िकेशन मायने नहीं रखती, उसमें आपकी स्किल्ड ज़्यादा मायने रखती है। सिर्फ आपके पास स्किल नहीं होनी चाहिए, स्किल का डिप्लोमा भी होना आपके पास ज़रूरी है, और उसके अलावा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास स्किल्ड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस इतना ख़ास नहीं है कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको शायद वीज़ा ना मिले, तो आप ये कर सकते हो कि आप विजिट वीज़ा के ऊपर बाहर जा सकते हो। जैसे आप विजिट वीज़ा के ऊपर अगर पुर्तगाल चले जाते हो तो पुर्तगाल में जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप ढूंढो तो ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है, तो जॉब क्या बड़ी चीज़ है। आपको यहाँ पे 3 या 4 साल तक काम करना होगा पुर्तगाल में, उसके बाद आपको PR मिल सकती है। वर्क परमिट के अंदर आपका विजिट वीज़ा चेंज हो जाएगा और फिर आप वहाँ पे काम कर पाओगे। उसके बाद 3 साल बाद आपको PR इशू होगी और 5 साल बाद आपको सिटीजनशिप भी इशू हो सकती है। दोस्तों अगर बात की जाए कि अगर आप स्पेन जाते हो विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे भी आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो वर्क वीज़ा में। वहाँ पर बस आपको जॉब ऑफर लेनी है, जैसे कि कैनेडा में भी यही है कि अगर आप कैनेडा पहुँच जाते हो विजिट वीज़ा पर, तो आप डी कैटेगरी की जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि फ्रूट्स की जॉब हो गई, मतलब फ्रूट काटने की जॉब हो गई, शेफ हो गई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर आपको डिप्लोमा ज़्यादा ज़रूरी है, आपको स्किल्ड आनी चाहिए, कोई ना कोई स्किल्ड आपके पास होनी चाहिए, तभी ये आप डी कैटेगरी की जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बस मेरा कहना यही है आपको कि अगर आप क्वालिफ़िकेशन हासिल नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि आप अपनी एजुकेशन आगे मत पढ़ो,
तो फिर आपको अपनी स्किल में ज़्यादा ध्यान देना होगा, स्किल्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करनी होगी ताकि आपको वर्क वीज़ा मिल पाए, आप किसी बड़े मुल्क जा पाएँ ताकि आपके पास भी पैसे हों, आप भी कहीं अच्छी जगह काम कर पाओ। दोस्तों दिल छोटा करने वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो हाईली क्वालिफाइड है या वेल एजुकेटेड है, उनके लिए नहीं है। अगर लेबर्स ना हो, अगर लोग क्वालिफिकेशन वाले लोग ना हो तो भी काम नहीं चल सकता, उनके लिए भी बहुत सारी जॉब्स निकलती है और उनकी भी बहुत ज़्यादा दुनिया में नीड पड़ती है। इसलिए दोस्तों दिल छोटा मत करो, बस आपको अपनी स्किल पर ध्यान देना होगा ताकि आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर पाओ। इसके अलावा मैं कनाडा की वर्क वीज़ा के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसके स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, और अगर कोशिश कर सकते हो तो आप लोग आयल्स ज़रूर करो, या तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज या तो जर्मनी लैंग्वेज, ये चीज़ आप ज़रूर सीखो, क्योंकि दोस्तों यही जो चीज़ें हैं वही आपको उस लेवल तक ले जाएगी जहाँ पर आपको वर्क वीज़ा आसानी से मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, टाटा बाय बाय।